मैं डॉक्टर आरपी सिंह होम्योपैथी चिकित्सक आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित कोई समस्या हो तो मेरा वीडियो देखें। मैंने अब तक लगभग सभी रोगों के लक्षण अनुरूप उपचार वाली वीडियो बना रखी है। यदि आपको परामर्श लेना हो तो मेरे क्लिनिक पर आएं। मैं आपको होम्योपैथी की दवा फास्फोरस के सिम्टम्स और यूजेस बताने जा रहा हूँ। फास्फोरस उत्तेजना पैदा करता है, प्रदाह पैदा करता है और श्लैष्मिक झिल्ली को छिड़ करता है। रक्तांबू झिल्ली को उत्तेजित करता है और प्रदाह पैदा करता है। मेरुदंड और स्नायु में सूजन पैदा करता है जिससे पक्षाघात हो जाता है। हड्डी को नष्ट करता है, खासकर निचले जबड़े और जांघ की हड्डी को। रक्त कणों को छिन्न भिन्न करता है जिससे रक्तवाहिनियों में और सभी तंतुओं में और यंत्रों में चर्बी आ जाती है जिससे रक्त प्रदाह और रक्तमय कमला रोग हो जाता है। शारीरिक यंत्रों में एक विनाशकारी अवस्था उत्पन्न करता है, जिगर की पीली सिकुड़न और जिगर में प्रदाह पैदा करता है। लंबे दुबले लोग, तंग सीने वाले, पतले छलछले चर्म वाले, रसों और धातुओं के अधिक निकल जाने से कमज़ोर, अधिक स्नायविक दुर्बल, सूखा शरीर, काम प्रवृत्ति, इन लक्षणों के लोग खासकर फास्फोरस के क्रिया क्षेत्र में रहते हैं। बाहरी प्रभाव से शीघ्र उत्तेजना, प्रकाश, आवाज़, गंध, स्पर्श, आकाशीय विद्युतीय परिवर्तनों से बिजली तूफान से शीघ्र प्रभावित हो। लक्षणों का अकस्मात आक्रमण, अकस्मात शिथिलता, गसी, पसीना, चमकन, दर्द इत्यादि। रक्त में लाल कण अधिक हो जाना, रक्त उत्सर्ग, चर्बीलापन, अंग विशेष का बड़ा हो जाना, अस्थि सड़न, सभी ऐसी अवस्थाएं हैं जहां फास्फोरस की आवश्यकता होती है। पेशियों का अप्राकृतिक ढीलापन, स्नायु प्रदाह, सांस मार्ग का प्रदाह, पक्षाघात के लक्षण, आयोडीन और अधिक नमक खाने का दुष्प्रभाव, बाईं तरफ लेटने से रोग अधिक्य, उपदंश का तृतीय चरण, चर्म पर आक्रमण और स्नायविक दुर्बल्य, सिताद रोग, कृत्रिम वृद्धि, पक्षाघात, पैशिक क्रिया भ्रष्ट और जीवन शक्ति दुर्बल, अस्थि मज्जा प्रदाह, हड्डियों की कमजोरी, चुरचुराना, इन सब लक्षणों में ये दवा लाभकारी है। इस दवा की मात्रा अरिष्ट यानी मदर टिंचर से 30 नंबर तक अत्यधिक प्रयोग में लाई जाती है। बहुत नीचे की शक्ति बार बार नहीं दोहरानी चाहिए, खासकर क्षय रोग में। यह यहाँ यूथेनेशिया की तरह काम करती है। धन्यवाद।